अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन क्लास 9 इंग्लिश। टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4। आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 की एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम इस यूनिट की रीडिंग को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग को अच्छी तरह कर चुके हैं। तो उस लेक्चर का आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जब भी इंग्लिश में किसी पैसेज या किसी भी यूनिट की एक्सरसाइज की बात होती है, तो बेसिकली द एक्सरसाइज ऑफ एनी पैसेज इन इंग्लिश इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्सरसाइज में आप की डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज को या लर्निंग आउटकम्स को चेक किया जाता है। तो जब आप किसी भी यूनिट की या पैसेज की रीडिंग करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, अच्छी तरह रीडिंग करते हैं, तो उसके जो भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो आपको पता है कि उसमें आपकी वोकेबुलरी बिल्डिंग होती है, ठीक है। उसमें आप जो न्यू वर्ड्स होते हैं, आप वो नए वर्ड्स को सीखते हैं, उनके मीनिंग्स को देखते हैं, ठीक है, अपनी वोकेबुलरी को डेवलप करते हैं। इसी तरह फिर आप उस पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, यानी आप उस पैसेज को फुली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, फुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसको कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है, ठीक है। फिर आपकी उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, यानी आप पैसेज को रीड करने के बाद आप उसमें अपनी जजमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर पैसेज में डिफरेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, आप उनको स्टडी करते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पैसेज के अंदर आपके बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स हैं, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये लैंग्वेज स्किल्स भी आपके डेवलप हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो हैं कॉम्पिटेंसीज हैं या लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि किसी भी पैसेज की रीडिंग पर आपने जो है वो अचीव करने होते हैं। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं किसी भी पैसेज की इंग्लिश में, तो ये सारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी, ये चेक होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपका वोकेबुलरी का टेस्ट होता है कि आपने जो वर्ड्स इसमें सीखे हैं, ठीक है, उनका टेस्ट आपसे लिया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होता है, ठीक है, तो उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपने करने होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो पैसेज में आ चुके हैं उनका आपसे टेस्ट लिया जाता है एक्सरसाइज में, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उन पर जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। राइटिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, लिसनिंग की, स्पीकिंग की जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं। यूनिट की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थीम को डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द थीम ऑफ अ यूनिट? द थीम ऑफ अ यूनिट इज सिंपली द सेंट्रल आइडिया और द मेन आइडिया ऑफ द यूनिट। सो इट इज द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया और द मेन आइडिया। तो किसी भी यूनिट का जो सेंट्रल आइडिया होगा, उसका मरकजी ख्याल जिसे आप कहते हैं वो होगा, उसको थीम कहा जाता है। थीम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे थ्रू द पैसेज। सो इट इज द मैसेज फ्रॉम द राइटर। राइटर अपनी राइटिंग के जरिए हमें जो भी मैसेज देना चाह रहा होता है उसको भी थीम कहा जाता है। Now let's have a look on the theme of unit number 4, जिसका टाइटल है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। The theme of the unit is to appreciate the integrity and valor of हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा for the cause of Islam. She is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. ठीक है, तो ये इसकी थीम है यूनिट की। तो आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं उनके मीनिंग्स को समझ लेते हैं, उनके सिनोनिम्स को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए इस थीम को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। या इसको आप अपने वर्ड्स में जब लिखें तो आप उसको इजीली जो है वो सिनोनिम्स को यूज़ करते हुए, अपने वोकेबुलरी को यूज़ करते हुए इजीली जो है वो थीम को आप लिख सकें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड जो है वो हम देखते हैं वो है एप्रिशिएट। ये एक कॉमन वर्ड है और इसको अक्सर आप अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज़ भी करते हैं। ये जो वर्ड एप्रिशिएट है इसका मीनिंग क्या होगा? एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है जी तारीफ करना, एडमायर करना, एडमायर या प्रेज करना, तारीफ करना, ठीक है ना। तो जब भी आप इंग्लिश में कोई न्यू वर्ड देखते हैं, ठीक है, अपनी वोकेबुलरी को डेवलप करते हैं, तो आप उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिस्कस लाजमी करते हैं, उसको भी समझते हैं कि जो वर्ड हम देख रहे हैं ये यहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड एप्रिशिएट है ये वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी जो वर्ड है ये यहाँ पे नाउन के तौर पर यूज हुआ है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो अब इंटेग्रिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रिंसिपल्ड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रिंसिपल्ड। जब कोई पर्सन प्रिंसिपल्ड होता है, असूल पसंद होता है, तो उसकी इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है? इंटेग्रिटी कहा जाता है। इंटेग्रिटी के लिए हम सिनोनिम जो यूज़ कर सकते हैं वो ऑनर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनर, इज्जत, डिग्निटी, ठीक है, वकार, वकार या इज्जत, ठीक है। तो ये वर्ड है इंटेग्रिटी। तो अगर हम इस यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यूनिट नंबर 4 की, तो हम ये भी कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं दैट हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज फेमस फॉर हर इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसी तरह अगर हम कायदे आज़म की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो भी बहुत असूल पसंद थे, तो हम ये सेंटेंस बना सकते हैं दैट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है। तो डिफरेंट, ये हम कोई भी वर्ड देखेंगे तो उसके सिनोनिम्स को भी देखेंगे, मीनिंग्स को समझेंगे, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उस पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है जी यहाँ पे वेलर। वेलर, और वेलर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? वेलर, वेलर कहते हैं जी एक्सट्रीम करेज को, जो इंतहा दर्जे की बहादुरी होती है, ठीक है, ब्रेवरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? वेलर कहा जाता है। तो बहादुरी को कहा जाता है वेलर, बहुत ज्यादा बहादुरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पे वो है जी मॉडेस्टी। और वेलर जो वर्ड था ये भी क्या है? ये नाउन है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। नाउ वी हैव द वर्ड मॉडेस्टी। मॉडेस्टी जो वर्ड है ये भी नाउन के तौर पर यूज हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। और मॉडेस्टी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडेस्ट। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन थोड़ा शाय होता है, शर्मीला होता है, ठीक है, या वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहता है या रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, बीइंग रिजर्व्ड, जब वो रिजर्व्ड रहता है यानी वो सोच समझ कर बात करता है, ठीक है, और कम बोलता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस क्वालिटी को मॉडेस्टी कहा जाता है। उर्दू में हम इसे शर्म और हया भी कहते हैं, शर्म और हया, शर्म और हया, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वो है पाइटी। पाइटी, पाइटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पायस। जब कोई इंसान बहुत नेक होता है, नोबल होता है, परहेजगार होता है, ठीक है, तो उसको यानी ज़्यादा वो रिलीजियस होता है, उसको क्या कहा जाता है, पायस कहा जाता है, PIOUS, पायस। उसकी इस क्वालिटी को पाइटी कहा जाता है, नाउन के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं तो पाइटी। तो पाइटी यहाँ पे अगेन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका मतलब क्या होगा, नोबलनेस, बहुत ज़्यादा नेक होना, नोबलनेस होना, नोबलनेस, ठीक है, नोबलनेस। और इसके लिए हम उर्दू में हम कहते हैं ना परहेजगारी, परहेजगारी, इसका ये भी, ये इसको ये भी कह सकते हैं कि डिवोशन टू अल्लाह। जब इंसान अल्लाह ताला के साथ डिवोटेड होता है, अल्लाह ताला, ठीक है, के बताए हुए रास्ते पर चलता है, ठीक है, ज़्यादा परहेजगार होता है, पायस होता है, ठीक है, तो इसकी इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है, पाइटी। तो इसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं परहेजगारी, परहेजगारी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वह है जेनेरोसिटी, ठीक है। जेनेरोसिटी का मतलब क्या होता है, उर्दू में हम इसे कहते हैं सखावत, सखी होना। सखी कौन होता है, जो चीज़ों को दूसरे लोगों को भी देता है, उनके साथ शेयर करता है, या उसके पास जो भी चीज़ कोई एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा होती है, तो वो दूसरों को क्या करता है, डोनेट भी करता है, दूसरों के साथ शेयर करता है, ठीक है। इसको कहते हैं गिविंग मोर ऑफ समथिंग टू अदर्स, यानी ज़्यादा जो चीज़ होती है वो दूसरों को दे देना, शेयर करना, इसको कहा जाता है जेनरॉसिटी। उर्दू में हम इसे कहते हैं सखावत, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो यहाँ पे थीम के अंदर यूज़ हुए हैं। तो अब इस थीम को समझना ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। द थीम ऑफ द यूनिट इज़ टू अप्रिशिएट द इंटेग्रिटी एंड वेलर ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। तो इस यूनिट में राइटर क्या कर रहा है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इस्लाम की खातिर जो भी उनकी क्या थी, उनका एक वक़ार था, ठीक है, उनकी असूल पसंदी थी, ठीक है, या उनकी बहादुरी थी, उसकी तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। सो द राइटर इज़ अप्रिशिएटिंग द ऑनर, डिग्निटी एंड एक्सट्रीम करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। She is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. तो वो मुस्लिम, तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए क्या है, एक नमूना है, रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है, ठीक है, अपनी शर्म हया की वजह से, सच्चाई की वजह से, दयानंदारी की वजह से, परहेजगारी की वजह से, बहादुरी और सखावत की वजह से। ओके, तो द थीम ऑफ द यूनिट नंबर 4 इज बेसिकली द एप्रिसिएशन ऑफ द ऑनर और डिग्निटी, करेज, ओके, मॉडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड जेनरॉसिटी ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो है ग्लॉसरी, ठीक है। अब ग्लॉसरी में क्या होता है, ग्लॉसरी कहते हैं अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग्स। जब भी वर्ड्स अपने मीनिंग्स के साथ दे दिए जाते हैं एक लिस्ट में, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, ग्लॉसरी कहा जाता है, ठीक है। इट इज, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक। तो अब ये वर्ड्स ऑलरेडी हम रीडिंग के दौरान भी इनके मीनिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम रिवीजन के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज से पहले इन वर्ड्स के मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है जी पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, या इसको हम कहते हैं बहुत मुश्किल कोई चीज़ होती है, डिफिकल्ट, ठीक है, मुश्किल, खतरनाक, इसको क्या कहा जाता है जी, पेरिलस। अच्छा, अब अगर हम इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है यहाँ पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर जो वर्ड है यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज हुआ है और इसका मतलब है टू अंडरटेक रिस्की और डेयरिंग जर्नी। यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ अंडरटेक, ये उन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको कंप्लीट इस तरह हम कर सकते हैं, टू अंडरटेक अ रिस्की और डेयरिंग जर्नी। जब भी किसी खतरनाक, ठीक है, सफर पर जाना, उसको क्या कहते हैं, वेंचर। ये वर्ड जो है यहाँ पे वर्ब है। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज फ्यूरियसली। फ्यूरियसली जो वर्ड है ये एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, और फ्यूरियसली का मतलब होता है एंग्रीली, सो विद एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर के साथ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में। द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज। रेफ्यूज यहाँ नाउन है और इसका मतलब है प्लेस ऑफ सेफ्टी, महफूज जगह। इसके लिए वर्ड शेल्टर भी यूज किया जा सकता है, शेल्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेंटली। ये एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है और इसका मतलब होता है इमीडिएटली, फौरन, एट वंस, फौरन, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रेगुलर। रेगुलर मीन्स समथिंग that is not changing, रेगुलर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग आउट, किस चीज को ढूंढना, तलाश करना, ठीक है, उसका सुराग लगाना। द नेक्स्ट वर्ड इज राइप। राइप अक्सर आप ये वर्ड फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं कि राइप फ्रूट, और राइप का मतलब है मेच्योर। जब कोई चीज बिल्कुल अपनी असल हालत में चली जाती है, मुकम्मल हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट, उसको क्या कहते हैं, राइप कहते हैं। तो राइप यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग्स हैं मैच्योर और कंप्लीट। इसको हम ये भी कह सकते हैं फुली ग्रोन, समथिंग देयर इज फुली ग्रोन, उसको क्या कहेंगे, राइप। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवील। रिवील वर्ब है और इसका मतलब है शो करना, चीज को जाहिर करना, ठीक है, या उसको अनहाइड करना, अनहाइड करना किसी चीज को, ठीक है, या टू मेक समथिंग नोन, किसी अननोन चीज को नोन बना देना, अनहाइड कर देना, शो करना, ठीक है, ये मीनिंग्स हैं किसके, रिवील जो वर्ड है इसके, ये वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। इस तरह हमने देखें ये ग्लॉसरी भी देख ली। सो दिस ग्लॉसरी हैज some words along with their meanings and these words have been used in unit number 4 और इस इन words के meanings को हम already reading के दौरान भी discuss कर चुके हैं। Now we start with the exercise of the unit और exercise की जो first activity है वो है जी oral activity। इस activity में आप के oral communication skill को check किया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आपने गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो ओरली करने हैं, ज़बानी उनके आंसर्स देने। तो इनके आंसर्स को मैं भी आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा ही, तो सिंपली हम ओरली इनके जो बनते हैं आंसर्स उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ओरल एक्टिविटी, तो ओरल एक्टिविटी जो यहाँ पे हमारे पास है, इसका यहाँ पे देखें कहा गया है कि आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। इन आंसर्स, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपने जबानी देने। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो पर्सनालिटी थी, शख्सियत थी, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, सेलिएंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो उनके जो भी अहम फीचर्स थे, उनके जो पॉइंट्स थे उनकी शख्सियत के, उनको डिस्कस करना है। तो क्या थे जी सेलिएंट फीचर्स? ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो देखिए हमने यहाँ पे बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है दैट शी वॉज फेमस फॉर हर इंटेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, पायटी, करेज। ओके, तो ये उनकी पर्सनैलिटी के क्या थे, कुछ फीचर्स हैं। द नेक्स्ट इज नेम सम प्रोमिनेंट वुमेन इन टूडेज वर्ल्ड, शेयर देयर अचीवमेंट्स। तो आज की दुनिया की कुछ जो मशहूर जो ख़वातीन हैं उनके नाम आपने लिखने हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको भी आपने डिस्कस करना है, वो भी बतानी है। तो अगेन ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा, आप इन चीज़ों को खुद से भी, बहुत सारी विमेन हैं आज की दुनिया में, ठीक है, ऐसी जो आपको मिल सकती हैं जिनके अचीवमेंट्स हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रोमिनेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट जो वर्ड है इसके लिए और भी कई सिनोनिम्स हम यूज करते हैं। प्रोमिनेंट की जगह हम एमिनेंट भी लिखते हैं, एमिनेंट, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जी जो भी इम्पोर्टेंट, आम तरीन के लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, एमिनेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन वुमेन मेक टू द सोसाइटी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं, क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में वो दे सकती हैं। तो अब इसका आंसर आपने खुद से ओरली बताना है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसका जो है वो आंसर होना चाहिए। आप देखें किसी भी सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल होता है। तो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकती हैं। So what would be the answer to this question? ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, so women can make a significant contribution in Pakistani society. Okay, तो different हम sectors की बात कर सकते हैं, different areas हैं जहाँ पे women जो है वो अपनी contributions दे सकती हैं, like education, health care, social services, okay, technology, media, ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी जो सर्विसेज हैं उनको वो सोसाइटी में दे सकती हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को वो दे सकती हैं, ठीक है। सो वुमेन कैन कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, बाय बिकमिंग टीचर्स, एजुकेटर्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। इसी तरह हेल्थ केयर में, ठीक है, इन द हेल्थ केयर सेक्टर वुमेन कैन सर्व एज डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। इसी तरह सोशल सर्विसेज में, सो इन सोशल सर्विसेज वुमेन कैन एंगेज इन सोशल वर्क एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है, दे कैन वर्क टू एड्रेस इश्यूज सच एज पॉवर्टी, हंगर एंड सोशल इनइक्वालिटी। ओके, पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के अंदर आ सकती हैं, सो वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, and so on. So they can be representative of women in political affairs, they can be representative of all the women, ठीक है, of the society. इस तरह law के अंदर women can be lawyers, okay, and they can ensure justice and upholding the rule of law, okay, they can work for the legal issues of women in the society. So there could be a number of contributions of women in any society and especially in Pakistani society. अच्छा, फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन है arrange a group discussion. तो ये भी oral activity कैसा है, group discussion to comprehend the following statements. तो कुछ दो statements लिखे हुए हैं उनको समझना है। comprehend का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग फुली, किस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। तो आपने ग्रुप डिस्कशन में बैठकर बताना है कि आप इन जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको कैसे अच्छी तरह समझें। तो फर्स्ट है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्ट हैव टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग यू एंड चिल्ड्रन बिहाइंड एम्प्टी हैंडेड। इस तरह फिर है जी दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इस काम को हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी उम्दगी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से जो मुकम्मल किया। ओके, सो हजरत अस्मा कंप्लीटेड the task very efficiently. Okay, तो next हम बात करते हैं जी स्ट्रेस एंड इंटोनेशन की। अब स्ट्रेस क्या होता है और इंटोनेशन क्या होता है? अच्छा देखिए, जब भी हम रीड करते हैं, रीडिंग के दौरान कोई भी वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उस वर्ड के अंदर डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। अब सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल जो है वो कोई भी ऐसा बेसिकली पार्ट है वर्ड का जो हम जबान से जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो एक टाइम पर हमारे जुबान से जो उसकी जो साउंड निकलती है उसको क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है हस्बैंड। आप देखें हस्बैंड जो वर्ड है इसमें कितने सिलेबल्स हैं? हस्बैंड। तो यहाँ पे देखें 2 सिलेबल्स हैं इस वर्ड के अंदर, ठीक है। अब किसी भी वर्ड के अंदर जो सिलेबल्स होते हैं, अब उस 2 सिलेबल्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। उन सिलेबल्स में से किसी सिलेबल को हम ज्यादा लॉन्ग करके पढ़ते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ते हैं, और किसी को हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को क्या कहा जाता है? किसी भी वर्ड के सिलेबल्स को स्ट्रेस करना या अनस्ट्रेस करना, इसको इंटोनेशन कहा जाता है। या आप इंटोनेशन को ये भी कहते हैं दैट इट इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, ठीक है। तो स्पीकिंग के दौरान आपकी आवाज में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा होता है, राइज और फॉल आ रहा होता है, उसको इंटोनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है जी स्ट्रेस। तो रीड द वर्ड्स केयरफुली एंड नोट द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन देम, ठीक है। तो हर वर्ड को आपने रीड करना है, प्रोनाउंस करना है, ठीक है, और आपने उसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल को और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को जो है वो समझना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है हस्बैंड। अब इसमें हज जो सिलेबल है ये स्ट्रेस्ड है, उसको उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जबकि बैंड जो है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, ठीक है, उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है। इसी तरह अबाउट, जो वर्ड अबाउट है इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, अ और बाउट, और बाउट जो सिलेबल है ये क्या है? स्ट्रेस्ड। इसी तरह अराइव, रिमार्केबल, रिमार्केबल में मार, रिमार्केबल, देखें डिफरेंट सिलेबल्स हैं, तो यहाँ पे मार जो है ये क्या है? स्ट्रेस सिलेबल। इसी तरह इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो पॉर यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस्ड सिलेबल है। फोटोग्राफी, टॉ, ठीक है, टॉ जो है यहाँ पे स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो बाकी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, ठीक है। तो आपको डिक्शनरी में भी पता चल जाता है इस सिंबल को देखते हुए, जो ये बताती है कि गिवन वर्ड का कौन सा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। फिर है जी द वर्ड्स that are in bold show the intonation pattern। और intonation फिर क्या हुआ? So intonation is simply the rise and fall of voice। जब भी हम words को बोलते हैं, pronounce करते हैं, syllables को pronounce करते हैं, ठीक है, तो इसको intonation कहा जाता है। The words that are in bold show the intonation pattern। अब देखें आपको sentences दिए हुए, एक ही sentence दिया हुआ है लेकिन 4 different situations में। तो आप देखिए उसमें हम हर सिचुएशन में एक डिफरेंट वर्ड को क्या कर रहे हैं? उसको स्ट्रेस कर रहे हैं। तो अब बात करती होता है कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को में उसमें डिफरेंट वर्ड्स को की इंटोनेशन चेंज करने से उसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है डू यू लाइक इट, इसको कैसे हम रीड करेंगे? हमने यहाँ पे डू को स्ट्रेस करना है, इंटोनेशन यहाँ पे किसकी करनी है? हमने डू की। सो डू यू लाइक इट, इसको इस तरह पढ़ेंगे। इसका फिर मतलब क्या बन जाता है कि ठीक है, क्या आपको ये पसंद है, इस तरह उर्दू में कहते हैं। तो डू यू लाइक इट। फिर नेक्स्ट है डू यू लाइक इट। अब ये देखें, अब यहाँ पे हम यू को स्ट्रेस कर रहे हैं। सो डू यू लाइक इट, तो उर्दू में भी हम देखें इस तरह, क्या आपको ये पसंद है, ठीक है। अब हम आपको या यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस कर रहे हैं। तो देखिए इससे भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं सेंटेंस के। इस तरह नेक्स्ट है डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, यहाँ पे अब हम लाइक को स्ट्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये आपको पसंद है, ठीक है। तो देखिए इस मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं। डू यू, फिर नेक्स्ट है डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है। अब हम इट पे ये पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। तो डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है। हो सकता है कि आपको देखिए कोई और चीज पसंद है, लेकिन हम कहते हैं कि क्या आपको ये पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट सिनेरियोज में एक ही सेंटेंस में, लेकिन हमने जब साउंड की इंटोनेशन को चेंज किया, ठीक है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की बात की, ठीक है, तो किसी एक वर्ड को हमने ज्यादा स्ट्रेस किया, इंटोनेशन चेंज की, तो उससे सेंटेंस के मीनिंग्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो स्ट्रेस और इंटोनेशन का जो है जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडिंग के दौरान। इसलिए जब हम रीडिंग करते हैं किसी भी टेक्स्ट की इंग्लिश में, तो हम उसको प्रॉपर स्ट्रेस के साथ या प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करते हैं, ताकि उसके मीनिंग्स अच्छी तरह क्लियर हो सके। फिर हमारे पास स्ट्रेस और इंटोनेशन की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन ए है, फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपने स्ट्रेस वर्ड्स ढूंढने, यानी जहां पे आपको लगता है कि वर्ड्स को ज्यादा स्ट्रेस किया गया। तो इसको रीड कर लेते हैं। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस सेंटेंस में जो आप जिस पार्ट को ज्यादा आप स्ट्रेस कर सकते हैं वो ये हो सकता है दिस जर्नी। देखिए, द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। देखिए, इन दिस रिगार्ड इसको भी आप यहाँ पे स्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड फॉर दिस सर्विस। इसको मैं यहाँ पे देखें थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ। सो फॉर दिस सर्विस क्या है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेस पार्ट है, स्ट्रेस वर्ड्स हैं ये। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जातुन निताकीन बाय द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर स्ट्रेस वर्ड्स को देख सकते हैं, और उन वर्ड्स के अंदर आप सिलेबल्स को भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सिलेबल ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या ज़्यादा हमने उसको लंबा करके पढ़ा है, लॉन्ग करके पढ़ा है, और कौन सा सिलेबल जो है वो शॉर्ट है या वो अनस्ट्रेस्ड है। फिर डिक्शनरी स्किल्स हैं, डिक्शनरी के अंदर भी आप यूज़ करते हुए डिक्शनरी को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। तो अब सिलेबल्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हर वर्ड के अंदर आपने नंबर ऑफ सिलेबल्स बताने के कितने सिलेबल हैं। तो फर्स्ट वर्ड है जी, इसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकली, ठीक है, कितने सिलेबल्स हो गए, पॉलिटिकली। तो इसमें कितने सिलेबल्स हो गए, यहाँ पे 4 सिलेबल्स हैं। कितने हैं यहाँ पे, 4 सिलेबल्स। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिश, कितने सिलेबल्स हैं, पॉलिश, तो यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है पोलका, तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल्स हैं। पोल, कितने सिलेबल्स हैं यहाँ पे, पोल, यहाँ पे 1 सिलेबल है। पोलन, तो यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेबल्स बताने हर वर्ड के अंदर। तो सिलेबल क्या होता है, बेसिकली जबान से एक टाइम पे जो भी आप जो आवाज़ निकालते हैं उस, ठीक है, आवाज़ को, साउंड को क्या कहा जाता है, सिलेबल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन योर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन की को यूज करते भी आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करनी है। तो हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को हम अच्छी तरह कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं एमिग्रेंट, ठीक है, तो यहाँ पर एमी जो पार्ट है इसको हम स्ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलस, कैसे प्रोनाउंस करते हैं जी, पैरेलस। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट, तो ठीक है, तो ये इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट हम आते हैं जी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड टेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब आपने पैराग्राफ 3 को रीड करना है और उसमें टॉपिक्स एंड टेंस को और सपोर्टिंग डिटेल्स को जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब देखें, अगर हम पैराग्राफ 3 की रीडिंग जब हम देखते हैं तो किसी भी पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग जो आपके पास होता है सेंटेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जरा देखें अगर आप पैराग्राफ 3 में जो ये पैराग्राफ 3 है हमारे पास, ड्यूरिंग द पैरेलस जर्नी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Every night, with the pack of food, she would quietly venture toward the rugged mountains in which lay the cave of Soor. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो अब इसका देखें जो ओपनिंग सेंटेंस है, ठीक है, ड्यूरिंग द पेरेस जर्नी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट सेंटेंस है ये इसका टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, और उसके बाद में आने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो और जो लास्ट हमारे पास सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, ये कंक्लूडिंग जो है वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो दोबारा से हम आ जाते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पे। तो इस तरह फिर पैराग्राफ 3 का जो टॉपिक सेंटेंस है तो वो क्या बनेगा, टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस जो है उसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बनेगा। तो क्या था जी, सो during the perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो ये हमारे पैराग्राफ 3 का टॉपिक सेंटेंस। और उसके बाद मैंने वाले जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, तो यहां से लेके आगे जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे जो है वो हमारे इसमें आएंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है read the paragraph 4 of the unit and identify topic sentence, supporting details and concluding sentence of the paragraph. ठीक है, तो पैराग्राफ 4 का भी अब आपने देखना है इसमें वो सारी चीजें। तो पैराग्राफ 4 में अगर आप देखें तो पैराग्राफ 4 जो है वो देखें वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, यहाँ से अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home। तो ये इसका क्या है, टॉपिक सेंटेंस है। और उसके बाद में आने वाले तमाम सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है कि he slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off but she remained steadfast and did not reveal the secret। तो ये इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। Now let's get back to the exercise। अब हम आते हैं यूनिट के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब हमें पूरे यूनिट में से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हमने लिखने हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम सेपरेटली देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फ्रॉम हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो जब अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा तो क्या हुआ। अब देखें, अगर हम यूनिट में जाके देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमें मिलेगा कि अबू जहल नॉक्ड एट द डोर वायलेंटली एड्रेसिंग हजरत अस्मा, ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर, शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। ही स्लैप्ड हजरत अस्मा's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret। अब देखिए, इस क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंदर आपको इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन आपने जब भी टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने होते हैं तो आपने टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर जो वर्डिंग उसको कॉपी नहीं करना, बल्कि अपने वर्ड्स में उसका आंसर देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी उनको कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसे दिए जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आंसर के लिए आप वो क्या करते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी पैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा वैसे वहाँ लिखा होता है वैसे का वैसा वो उठा के लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके अंदर जो क्वेश्चन का जब आप आंसर करने लगे तो अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अपने आंसर देना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं लिखूंगा तो उसको मैं डिफरेंट वर्ड्स में देखिए कैसे लिखूंगा, तो आंसर इसका ये होगा। ठीक है ना, that Abu Jahl asked about Hazrat Asma's father with anger. When she did not tell him any clue, he slapped her face very hard. But she didn't disclose the secret of her father, Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. तो अब देखें, ये जो आंसर है मैंने जब लिखा है तो अपनी वर्डिंग में लिखा है, कोई जो वर्ड्स जो है ना कॉपी नहीं किए पैराग्राफ के अंदर से। तो इस तरह आपने हमेशा आंसर लिखने, कभी भी पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते, वाई वाज हजरत अबू कुआफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वरीड। तो हजरत अबू कुआफा रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों परेशान थे, तो उसका आंसर क्या होगा। इस तरह हमने अपने वर्डिंग में वो आंसर देना है, हजरत अबू कुआफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज वरीड अबाउट हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ही थॉट दैट हर फादर हैड टेकन ऑल द मनी लिविंग हिज चिल्ड्रन विद नथिंग। क्योंकि हजरत काफा इसलिए परेशान थे, ठीक है, हजरत काफा जो है वो ग्रैंडफादर थे हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु के, तो वो इसलिए परेशान थे कि उनको उनकी सोच ऐसी थी, या उनको ये लगता था कि उनके फादर ने, हजरत अस्मा के फादर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम दौलत ले ली है और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, उनको ये लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने अपने दादा जान से किस तरह हमदर्दी का इजहार किया। कंसोल का मतलब होता है हमदर्दी का इजहार करना, ठीक है, टू शो सिंपथी, हमदर्दी का इजहार करना, ये इसका और मतलब ये होता है कि आराम पहुंचाना, ठीक है, टू गिव कम्फर्ट, आराम पहुंचाना, सुकून देना। ठीक है, तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने अपने दादा जान को कैसे जो है वो सुकून दिया, या किस तरह उनको कन्विंस किया। तो ये है जी हजरत अबू कुआफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अस्मा's ग्रैंडफादर वाज ब्लाइंड। ठीक है, शी रश्ड टू अ कॉर्नर ऑफ अ हाउस वेयर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु used to keep his money and put some pebbles under a cloth. Then she let her grandfather touch that cloth to convince him that all the money was still there. So her grandfather got relaxed to know that her father had kept money for children. तो ये इसका आंसर होगा। तो हजरत अबू काफा ने क्या किया, जो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा जान थे, वो क्योंकि ब्लाइंड थे, वो नाबीना थे, तो हजरत अस्मा ने क्या किया, वो एक घर के एक कोने में चली गई, वहाँ चली गई जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पैसा वगैरह रखते थे। उन्होंने क्या किया कि एक कपड़े के नीचे कुछ कंकरियाँ रख दी, ठीक है। ये सारा कुछ इसलिए किया है ताकि जब दादा जान वहाँ उसको उस पर हाथ लगाएं तो वो कन्विंस हो जाएं, उनको ये पता चल जाए कि वहाँ पे जो है वो पैसे अभी भी पड़े हुए हैं। तो इस तरह जब उन्होंने वहाँ पे हाथ लगाया तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे पैसे और जो सोना और जवाहरात है वो वैसे पड़े हुए हैं। तो इस तरह वो कन्विंस हो गए, इस तरह उनको सुकून मिल गया, राहत मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज हज़रत अस्माज़ सन। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज हज़रत अस्माज़ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पूरी स्टोरी में कौन सा ऐसा वाक़या है जो कि ये हज़रत अस्मा का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मोहब्बत है और एहतराम है वो ज़ाहिर करता है। तो व्हेन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना, शी सप्लाइड फूड टू हिम। दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। She had to travel the rocky path every night to get there. This task was nicely done by her. This shows Hazrat Asma's love and respect for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो फिर क्या हुआ, तो हज़रत अस्मा जो है वो उनको वहाँ पे खाना पहुँचाया करती थी। बहुत मुश्किल ये काम था, तो हर रात वो जाती थी और एक बहुत ही मुश्किल रास्ते से, दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर कर वहाँ पे वो जाती थी, ठीक है, खाना पहुँचाने के लिए, जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम था। इससे हमें हज़रत अस्मा का जो मोहब्बत है और एहतराम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, Which incident in the story shows the generosity of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला। तो कहानी में किस वाक़े से पता चलता है उनकी सखावत के बारे में, ठीक है। तो हज़रत अस्मा सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव ऑल द मनी टू द। तो उन्होंने हज़रत अस्मा ने क्या किया, अपनी जो विरासत में उनको जो बाग मिला था उसको भी सेल कर दिया, ठीक है, उसको सेल कर दिया और सारी जो पैसा है वो गरीबों को दे दिया। She did not ever return anybody empty-handed from her doorstep. तो किसी को भी उन्होंने खाली हाथ अपने घर से कभी नहीं जाने दिया। Number 7, what message do you get from the life of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला? तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से आपको क्या मैसेज मिलता है? तो हज़रत अस्मा's life is a role model for all of us for her generosity, wisdom, courage, honesty, piety and integrity. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है, इस वक्त के लिए सखावत के लिए, अक्लमंदी के लिए, बहादुरी के लिए, दयानतदारी के लिए, परहेजगारी के लिए और वक़ार के लिए। नंबर 8, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ? उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए एक रोशनी का ज़रिया रहेगी। कैसे? Her life is a role model for us. We learn a valuable lesson of honesty, piety, modesty and generosity from her life. तो ये थे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं जी, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है रेफरेंस का, और एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस। तो इस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है जी कैटाफोरिक रेफरेंस, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स to a later expression in the discourse is called a cataphoric reference। ठीक है, discourse कहते हैं discussion को। ठीक है, जब भी किसी discussion के दौरान, writing के दौरान कोई एक ऐसा expression, अब expression में वो phrase भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी expression हो सकता है, तो जब वो किसी बाद में आने वाले expression को refer करे, उसकी तरफ इशारा करे, यानी एक expression किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करे जो कि उसी पैराग्राफ में, सेंटेंस में या डिस्कशन में बाद में आ रही है, तो ऐसे रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्राम मक्का मुकरमा टू मदीना मनवरा इन द ईयर 622 AD। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हिज कंपेनियन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये फ्रेज है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है जी हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ। तो आपके क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक बाद में आने वाले एक्सप्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है हिज कंपेनियन, सो दिस एक्सप्रेशन कैटाफोरिकली रेफर्स टू व्हाट, इट कैटाफोरिकली रेफर्स टू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। इस तरह फिर है हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस। तो एनाफोरिक रेफरेंस क्या है जी, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस। तो जब भी डिस्कशन में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन जो है वो किसी पहले वाले जो है एक्सप्रेशन को रेफर कर रहा हो, तो उसको एनाफोरिक कहते हैं। इस तरह देखिए, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam। She was the daughter of हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो आप देखें यहाँ पे जो she है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है किसी ऐसे एक्सप्रेशन की तरफ जो डिस्कशन में पहले आ चुका है, जो क्या है, हजरत अस्मा। ठीक है, बैकवर्ड रेफरेंस। तो बैकवर्ड रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनाफोरिक रेफरेंस, जबकि फॉरवर्ड रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस। और बैकवर्ड रेफरेंस क्या होगा, एनाफोरिक रेफरेंस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड शी है, दिस रेफर्स एनाफोरिकली टू हजरत अस्मा, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस। अब इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डी, टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक। तो हर सेंटेंस में अपने रेफरेंस बताना है कि वो एनाफोरिक है या कैटाफोरिक है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अबू जेल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home, he began to knock at the door violently। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो एक्सप्रेशन है, ये फ्रेज है, द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये बैकवर्ड्स यानी ये अबू जहल की तरफ इशारा कर रहा है, अबू जहल को रेफर कर रहा है। तो अब ये बैकवर्ड रेफरेंस है, तो ये कैसा रेफरेंस होगा, तो ये होगा एनाफोरिक रेफरेंस। तो इस जो स्टेटमेंट में जो रेफरेंस है वो एनाफोरिक रेफरेंस। फिर सेकंड पे आ जाते हैं जी, हर ग्रैंडफादर हजरत अबू काफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ठीक है, अब इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें अगर हम ग्रैंडफादर को देखें, तो ग्रैंडफादर जो है वो, अब ये जो ग्रैंडफादर है, ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है, हजरत अबू काफा की, तो ये फॉरवर्ड रेफरेंस है। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, कैटाफोरिक रेफरेंस। थर्ड में, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। अब यहाँ पे देखिए ही जो है वो रेफर कर रहा है किसको, असलम को। असलम, नाउ यहाँ पे जो वर्ड ही है, इट रेफर्स एनाफोरिकली टू असलम, बैकवर्ड रेफरेंस। तो ये कौन सा होगा जी, एनाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस। फोर्थ में देखें, बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। तो यहाँ पे देखिए शी जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नीलम की तरफ, तो फॉरवर्ड रेफरेंस है, तो क्या होगा ये, कैटाफोरिक रेफरेंस। Number 5, Anis threw the stone, he broke the window. तो यहाँ पे he refers to Anis, ठीक है. So this is a backward reference, so this is an anaphoric reference. Number 6, when she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests. Now here the word she refers to Zeba. So this is a forward reference. So this is a cataphoric reference. Cataphoric. So this is a cataphoric reference. Number 7, the city of gardens Lahore is also famous for its historical places. तो यहाँ पे देखें ये जो फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, द सिटी ऑफ गार्डन्स, इट रेफर्स टू लाहौर. तो ये फॉरवर्ड रेफरेंस है, तो ये क्या होगा? कैटाफोरिक रेफरेंस. ठीक है. तो जब भी एक्सप्रेशन में बात करते क्या होता है कि एक्सप्रेशन कभी भी हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में बात उसका कोई एक पार्ट यानी उसका कोई एक्सप्रेशन या फ्रेज किसी दूसरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा होता है? रेफर कर रहा होता है. तो अगर वो किसी पहले आने वाले एक्सप्रेशन को रेफर करता है, बैकवर्ड रेफर करता है, तो उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. और अगर कोई एक्सप्रेशन डिस्कशन में बाद में आने वाले एक्सप्रेशन की तरफ पॉइंट करता है, उसको रेफर करता है, फॉरवर्ड रेफरेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस. Now the next exercise is about vocabulary. ठीक है, vocabulary पे आ जाते हैं. पहले भी हम काफ़ी डिटेल में इस लेसन की vocabulary जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग के दौरान भी और अभी एक्सरसाइज से पहले भी. क्वेश्चन ए है, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. तो आपको हर सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है, उसका करेक्ट मीनिंग आपने चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो नंबर 1, it was so delicate a situation. So delicate के meanings क्या होंगे जी? Difficult, easy, sensitive, fragile. तो difficult का मतलब आपको पता है, easy का पता है, sensitive बहुत असास, fragile का मतलब भी क्या होता है? Something which is which can easily be broken, जो बड़ी जल्दी से टूट जाए. ज़ाहिर ये भी बाज़ का delicate के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा डेलिकेट का, वो क्या होगा? सेंसिटिव. सो दिस इज द मीनिंग. द नेक्स्ट वन, अबू जेल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली. तो अबू जेल ने जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा वायलेंटली का? पोलाइटली, शाइस्तगी के साथ, अच्छे हालात के साथ, स्लोली, आहिस्ता से, फोर्सफुली, बहुत जोर से, एंग्रीली, गुस्से से. तो यहाँ पे वैसे वायलेंटली का एंग्रीली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा मुनासिब जो इसका मीनिंग होगा वो होगा फोर्सफुली, मतलब बहुत जोर से, विद अ फोर्स. थर्ड वन, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन That infuriated Abu Jahl. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? आगे एक क्वेश्चन के इन आंसर के बदले में क्वेश्चन कर दिया, जिससे अबू जहल जो है वो इन्फ्यूरिएट हो गए. इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना. तो क्या होगा? Pleased, helped, enraged, annoyingly. तो यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट मीनिंग क्या होगा? Enraged. Enraged का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा गुस्से में. नंबर 4, she remained steadfast and did not reveal the secret. तो steadfast के मीनिंग्स क्या होंगे जी? Patient, firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. यानी सब्र से काम लेना, पेशेंट होना, फर्म एंड रेजोल्यूट होना, यानी पुख्ता इरादा कर लेना, रेडी टू फेस, उस चीज को का सामना करने के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट या बुरे के लिए तैयार रहना. तो क्या होगा यहाँ पे? फर्म एंड रेजोल्यूट. फर्म एंड रेजोल्यूट. तो फर्म एंड रेजोल्यूट जो है ये क्या है? मीनिंग है स्टेडफास्ट, यानी साबित कदम रहना, पुख्ता इरादा रखना। अब हम वोकेबुलरी सेक्शन के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बी, कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। अब आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं जिनके मीनिंग्स आपने लिखने और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो फर्स्ट है मैड विद एंगर, फिट ऑफ फ्यूरी, रिवील द सीक्रेट, रेजोल्यूट, एलिविएट, माइग्रेशन, कंपेनियन, रेफ्यूज, गेव अवे, डिटरमिन्ड। तो ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग्स लिखने हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं स्लाइड्स पे और इन वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स भी देख लेते हैं और इनके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट में है हमारे पास फ्रेज मैड विद एंगर। तो इसके मीनिंग्स हैं एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से होता है, एक्सट्रीमली एंग्री होता है तो हम कहते हैं मैड विद एंगर। तो इस पे कोई सेंटेंस बना लेते हैं। Sarah was mad with anger when she discovered her brother had borrowed her car without asking. जब सारा को ये पता चला कि उसके भाई ने बगैर पूछे उसकी कार ली है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से थी। The next is fit of fury। तो ये भी एक फ्रेज है, तो इसके मीनिंग्स हैं a sudden outburst of anger, नहीं जब अचानक से गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है, अचानक गुस्सा जाहिर हो जाता है, उसको कहते हैं फिट ऑफ फ्यूरी। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी असलम स्लैम्ड द डोर शट, यानी गुस्से का इजहार करते हुए, गुस्से से अचानक गुस्सा करते हुए असलम ने दरवाजे को बंद किया, जोर से बंद किया। The next is reveal the secret। ये एक फ्रेज है और इसके मीनिंग्स हैं to make something known that was hidden, यानी किसी छुपी हुई चीज को जो है वो क्या करना, मंजर आम पर ले आना। सेंटेंस ये हो सकता है अहमद did not reveal the secret of his friend, अहमद ने अपने दोस्त का जो राज है उसको जाहिर नहीं किया। Resolute, रेजोल्यूट का मतलब होता है जी डिटर्मिन्ड, यानी पुख्ता इरादा कर लेना, ठीक है, यानी अपने इरादे में पुख्ता होना, उसको कहते हैं रेजोल्यूट। डिस्पाइट फेसिंग मेनी चैलेंजेस ही रिमेन्ड रेजोल्यूट इन हिज डिटर्मिनेशन टू कंप्लीट द रेस, यानी बहुत से चैलेंजेस के बावजूद, ठीक है, वो अपने पुख्ता इरादे पर कायम रहा, रेस को मुकम्मल करने के पुख्ता इरादे पर कायम रहा। एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है जी टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, किसी चीज की शिद्दत को कम करना, टू रिलीव, ठीक है, रिलीव करना। अ गुड स्लीप एलिविएट्स द टेंशन एंड स्ट्रेस, एक अच्छी नींद जो है वो टेंशन को और स्ट्रेस को क्या करती है, कम कर देती है। Migration, migration means moving from one place to another. Migration of birds is seen in many parts of the world. तो दुनिया के कई हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों में birds की migration जो है वो देखी जाती है। तो when birds move from one place to another. Companion, companion means friend. His dog is his loyal companion. ठीक है, ये सेंटेंस हो सकता है, जिसका जो डॉग है वो उसका वफादार साथी है। रेफ्यूज, रेफ्यूज मीन्स अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। माय फैमिली इज द रेफ्यूज फ्रॉम ऑल माय वरीज, यानी मेरी जो फैमिली है वो मेरी तमाम परेशानियों से वो मुझे क्या करती है, मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करती है, रेफ्यूज प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट इज गेव अवे। तो ये पास्ट फॉर्म है गिव अवे की। तो गिव अवे का मतलब क्या होता है, टू गिव समथिंग फ्रीली एज अ गिफ्ट, इस चीज को गिफ्ट के तौर पर दे देना। आई गेव अवे ऑल माई बुक्स, मैंने अपनी तमाम बुक्स जो हैं वो फ्रीली दे दी, गिफ्ट में दे दी। डिटर्मिंड, डिटर्मिंड मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, पुख्ता इरादा होना। शी इज़ डिटर्मिंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, उसने नया बिजनेस स्टार्ट करने का पुख्ता इरादा किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस जिनके हमने मीनिंग्स भी देखे और उनको सेंटेंसेस में भी हमने यूज किया। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द ग्रामर सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज। अब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रामर में फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नाउन तो वैसे आपको पता है कि नाउन इज the name of a person, place or a thing, ठीक है। और abstract noun क्या होता है? It is the name of abstract things, यानी ऐसी चीज़ों का नाम जिनको हम अपनी 5 senses के जरिए डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के नेम्स को क्या कहा जाता है? abstract noun। The name of things that cannot be detected by using our senses, 5 senses को यूज करते हुए जिन चीजों को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उन चीजों के नामों को क्या कहा जाता है? उस चीज के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई क्वालिटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के नाम हो गए जिनको हम अपनी सेंसर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर, उसने जिंदगी की हर मुसीबत का सामना सब्र और बहादुरी से किया। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। वेलर, करेज। नाउ the question is underline the abstract nouns in paragraph 4। तो paragraph 4 में हमने जाना है और वहाँ पे जो भी abstract nouns हैं उनको हमने underline करना है। So now let's go to paragraph number 4। तो यहाँ से start होता है जी paragraph 4। So this is paragraph number 4। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home। तो देखिए इस सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है? माइग्रेशन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He began to knock at the door violently। Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha। Response, तो ये एक abstract noun है, wisdom abstract noun है, courage abstract noun है। She did not make a statement, statement भी एक abstract noun है। That would give him a clue, clue भी abstract noun है। She simply posed a counter question, तो question भी एक तरह का abstract noun है। That infuriated Abu Jahl, he slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret। The secret, ये भी क्या है? Secret भी abstract noun है। Now let's get back to the exercise। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी। द नेक्स्ट ग्रामर एक्सरसाइज इज फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। यूज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो क्या करना है जी, हमने कुछ आपको एडजेक्टिव्स गिवन हैं या वर्ब्स हैं, तो उनसे आपने नाउन्स बनाने हैं और फिर उन नाउन्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। जो फर्स्ट वर्ड है करेजियस, तो करेजियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो इससे जो नाउन बनेगा वो क्या होगा, वो होगा करेज। तो करेज को सेंटेंस में यूज करें तो क्या होगा, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, करेज पे कोई भी सेंटेंस बना लें, ठीक है। ये सेंटेंस बना के आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में इनके सेंटेंसेस बताने हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी भी एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन क्या होगा, एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस ये नाउन होगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट भी एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन होगा डिफिकल्टी। जेनरस, जेनरस भी एडजेक्टिव है, इसका नाउन होगा जेनरॉसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट भी एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन होगा वो होगा रेजोल्यूशन। फिर सफर, सफर वर्ब है और इसका जो नाउन होगा ये है जी सफरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में जहां भी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने इंसर्ट करने हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आ, एन, द, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो ये आपने जहां भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो इंसर्ट करने हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ कैनाल। तो यहाँ पे कहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए, तो यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे होगा ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाल। द कैनाल, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अ कैनाल भी हो सकता है, ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ कैनाल, लेकिन यहाँ पे द जो है ज्यादा सुटेबल होगा, ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज Her courage and patience are exemplary। तो इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड सेंटेंस पे आ जाए, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। तो इस सेंटेंस में भी कोई आर्टिकल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, हायर यू गो कूलर इट इज। तो इसमें यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। इसको इस तरह लिखेंगे, द हायर यू गो, जितना आप ऊंचा जाएंगे द कूलर इट इज, द कूलर इट इज, उतना ही ज्यादा ठंड होती जाएगी। नेक्स्ट नंबर 5, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। आप देखिए टॉलेस्ट एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, तो ये क्या होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। नंबर 6, डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे होगा, अ डॉग। अ डॉग इज a faithful animal, so a dog is a faithful animal. Number 7, Indus is largest river in Pakistan. तो यहाँ पे Indus से पहले भी द आएगा, the Indus is, और largest से पहले भी द आएगा सुपरलेटिव डिग्री। The Indus is the largest river in Pakistan. Number 8, Mount Everest is highest peak in world. So Mount Everest is the highest, superlative degree है, the highest peak in the world. World से पहले भी the आएगा। Number 9, Alize is most intelligent girl in school. Alize is the most intelligent girl in the school. Number 10, where are books which I bought a week ago. तो आप देखें ये कुछ खास बुक्स की बात हो रही है, ऐसी बुक्स जो मैंने एक वीक पहले ली। जब भी किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात होती है, खास चीज की, तो उससे पहले द आता है। So where are the books which I bought a week ago? तो ये था articles का use sentences में. Next grammatical concept is prepositions of time. तो time के preposition, तो time के preposition तीन तरह के हैं, in, on, at. तो ये कब यूज होते हैं इनको देख लेते हैं, फिर इन पे एक्सरसाइज हम करेंगे. इनका यूज किया जाता है जी मंथ्स के नेम से पहले, लाइक इन जून, इन सितंबर. ईयर के नाम से पहले इन 2011, इन 1999. सीजन्स के लिए यूज किया जाता है इन विंटर, इन द समर. और पार्ट ऑफ द डे के लिए यूज किया जाता है, जब भी हमने मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग बतानी होती है तो उनसे पहले इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. ड्यूरेशन जाहिर करने के लिए, लाइक इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स. तो ये तो हो गया इन का यूज. फिर है जी एट का यूज. एट का भी यूज होता है जी पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी हिस्से के लिए, लेकिन ये नाइट के लिए, नून के लिए और मिड नाइट के लिए यूज होता है. फिर टाइम ऑफ डे के लिए भी होता है, जब हमने कोई एग्जैक्टली टाइम बताना होता है, 8 o'clock. सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है, लाइक एट ईद. फिक्स्ड फ्रेजेस के लिए यूज होता है एट द सेम टाइम. फिर है ऑन. ऑन कब यूज होता है? डेज ऑफ द वीक के लिए, लाइक ऑन संडे, ऑन फ्राइडे. डेट्स के लिए यूज होता है, लाइक ऑन द 20th of August. स्पेशल हॉलीडेज के लिए, लाइक ऑन द इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे. ठीक है. और स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, लाइक ऑन द मॉर्निंग ऑफ October 11th. वैसे तो मॉर्निंग के लिए इन यूज होता है, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉर्निंग ऑफ October 11th तो उसके लिए ऑन यूज होगा. तो ये हैं यूजेस प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के. नाउ द एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशंस इन पैराग्राफ 3 and 4 ऑफ द यूनिट. पैराग्राफ 3 और 4 में हमने क्या करना है? प्रेपोजिशंस को आइडेंटिफाई. तो चले जाते हैं हम यूनिट में दोबारा पैराग्राफ 3 और 4 पे, और वहाँ जो भी प्रपोजिशंस आए हैं उन प्रपोजिशंस को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. पैराग्राफ 3 and 4. सो दिस इज पैराग्राफ 3. सो ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी. तो यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है? ये एक प्रपोजिशन है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, टू यहाँ पे प्रपोजिशन है. द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक वुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है. दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा. एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड. विद यहाँ पे प्रपोजिशन है. शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रगेड माउंटेन्स. टूवर्ड्स यहाँ पे प्रपोजिशन है. इन विच ले द केव ऑफ सोर. इन यहाँ पे प्रपोजिशन है. शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स. ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है. इन अकम्पलिशिंग द टास्क. इन यहाँ पे प्रपोजिशन है. How difficult it must have been for her. For यहाँ पे preposition है. To traverse the rocky path at night. At यहाँ पे preposition है. With the constant fear of being detected. तो with यहाँ पे preposition है. ये तो paragraph 3 है. इसी तरह paragraph 4 में क्या prepositions है? On the night of migration. तो on यहाँ पे preposition है. A tribal chief of the disbelievers. Of यहाँ पे preposition है. अबू जेल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़'s होम. तो टुवर्ड्स यहाँ पे प्रपोजिशन है. ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली. तो एट यहाँ पे प्रपोजिशन है. एड्रेसिंग हजरत अस्मा ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर. शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो. दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा. शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off. Off यहाँ पे preposition है. But she remained steadfast and did not reveal the secret. तो ये अब हमने इस पैराग्राफ में भी प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी गेट बैक टू द एक्सरसाइज। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस गिवन बिलो। आपको हर सेंटेंस के एंड पे 4 ऑप्शंस दिए हमें प्रपोजिशंस के, जो भी सूटेबल प्रपोजिशन है उसको हमने ब्लैंक के अंदर यूज करना है। द फर्स्ट इज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन 622 AD। तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन लगेगी जी, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। The next is Abu Jahl a fit of fury headed towards Abubakr Siddiq's home. In यहाँ पे preposition लगेगा, in a fit of fury. Number 3, he began knocking dash the door violently. तो knock के बाद at आता है, knock, he began knocking at the door. At this he instantly ran a corner of the home towards की तरफ। She has a resolute faith dash Allah Almighty, in Allah Almighty. She gave all the money to the poor and the needy. Gave away. She gave away all the money to the poor and the needy. Number 7. Her life would always be a beacon dash light for all of us. Beacon of light. The next question is about prepositions of time. Fill in the blanks with prepositions of time. तो हमने given blanks में जो भी correct preposition of time है वो लगाना है, in, on या at जो भी बनता है। Ali is arriving dash January 26 dash 2 o'clock in the evening. तो Ali is arriving on January 26, क्योंकि ये date है तो on आएगा। Time से पहले क्या आएगा, at 2 o'clock. Saqib is leaving on Friday. Asher worked for his law firm in 1995. year se pehle in aata hai। I met Shaheen at 9 AM. The doctor will see Alize in the evening. Sobia has her birthday dash September 11. तो September 11 क्योंकि date है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, on. We will have vacation dash summer. तो season से पहले क्या आता है जी, in summer. Now the last question of the exercise is about punctuations. Punctuate the following using capital letters, commas and full stops. यहाँ पे भी कोई capital letter लगता है वो हमने use करना है, comma है या full stop है उसका हमने use करना है। The Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में जो वर्ड है द, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सो द रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह में आर कैपिटल होगा। एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो यहाँ पे देखें हज़रत का एच कैपिटल होगा, अबू का ए कैपिटल होगा, बकर का बी कैपिटल होगा, सिद्दीक का एस कैपिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमर्स भी आएंगे, रसूलुल्लाह एंड हिज क्लोज कंपेनियन कॉमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कॉमा माइग्रेटेड फ्राम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा। तो अब मक्का का एम कैपिटल होगा, मुकरमा का एम कैपिटल होगा, मदीना का एम कैपिटल होगा, मुनव्वरा का एम कैपिटल होगा, ठीक है। इन द ईयर 622 AD, अब AD जो है ये दोनों कैपिटल लिखे जाएंगे, AD, और इनके दरमियान डॉट होगा और बाद में फुल स्टॉप आएगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन कॉमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कॉमा माइग्रेटेड फ्राम मक्का मुनव्वरा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर 622 AD, A.D और फिर फुल स्टॉप। फिर उसके बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हेन, तो व्हेन में W फिर कैपिटल होना चाहिए। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का का अगेन M कैपिटल होगा, मुकरमा का M कैपिटल होगा, came to know about the migration of the Rasulullah, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह में आर कैपिटल होगा, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो अगेन एच कैपिटल होगा, यहाँ पे अबू में ए कैपिटल और बी यहाँ पे कैपिटल और सिद्दीक में एस कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का मुकरमा केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक, कॉमा दे गॉट फ्यूरियस, और फिर एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये है इस पैराग्राफ की कंप्लीट पंक्चुएशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज राइटिंग स्किल्स, और इस सेक्शन में हम समरी राइटिंग स्किल पे डिस्कशन करेंगे। तो जब हमें कोई पैराग्राफ दिया जाता है या टेक्स्ट दिया जाता है, उसकी समरी कैसे लिखी जाती है, तो हाउ टू राइट अ समरी। सो व्हाट इज अ समरी? अ समरी इज बेसिकली अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द गिवन टेक्स्ट, गिवन पैसेज। तो किसी भी गिवन पैसेज का जो शॉर्ट वर्जन होता है वो समरी होता है, ठीक है। तो समरी कैसे लिखते हैं? तो समरी में हम गिवन जो पैसेज है उसके मेन पॉइंट्स को लिखते हैं, ठीक है। वी राइट ओनली द मेन पॉइंट्स, और बाकी जो भी उसमें जो डिटेल्स हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और जो भी डिटेल्स उसमें एसेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और समरी को हम टोटली अपने वर्ड्स में लिखते हैं, सिंपल वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है। सो टू राइट अ समरी we use our own words, simple words, and we highlight only the main points of the given passage. So summary is about writing only the main points of the passage entirely in your own words, ठीक है। तो समरी में क्या होता है, हम गिवन पैसेज के मेन पॉइंट्स को लिखते हैं और मुकम्मल तौर पर अपने वर्डिंग में लिखते हैं, वहां से हम पैसेज के अंदर से वर्ड्स को कॉपी नहीं करते, ठीक है। तो वहां जो कुछ भी लिखा होता है उसको सिंपल वर्ड्स में हम उसको रीपैराफ्रेज करते हैं, उसको दोबारा से लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है। और सिर्फ मेन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। और जो समरी की लेंथ होती है, ये ओरिजिनल पैसेज की लेंथ का 1/3 होती है, ठीक है। तो समरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए जब हम समरी लिखते हैं? तो अगर हमारे पास गिवन पैसेज में 30 लाइंस हैं, उसको 3 पे डिवाइड कर दें, 1/3 लेंथ ले ले, तो हमारी समरी में फिर 10 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। समरी हैज अ लेंथ ऑफ 1/3 ऑफ the length of the original passage. किसी भी पैसेज की जब आप समरी लिखते हैं तो समरी की जो लेंथ है वो ओरिजिनल पैसेज की लेंथ का 1/3 होनी चाहिए, 3 पे डिवाइड कर दें, तीसरा हिस्सा जो है वो समरी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, समराइज द यूनिट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग माइंड मैप। अब माइंड मैप क्या होता है, ये एक आउटलाइन होती है पॉइंट्स की, ठीक है। तो इस आउटलाइन को यूज करते हुए आपने समरी लिखनी है, यानी अब इस आउटलाइन में सिर्फ मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं और उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम टाइटल ऑफ द यूनिट लिखते हैं। तो टाइटल क्या है यूनिट का? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ओके, फिर पॉइंट्स में देखें यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने लिखनी है, उनकी पर्सनैलिटी की शख्सियत के जो मेन पॉइंट्स हैं, खसूसियात हैं, वो आपने लिखनी है। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप यूनिट में पढ़ चुके हैं अबाउट हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फॉर एग्ज़ाम्पल जेनरॉसिटी, तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है उनकी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं विजडम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट में हम करेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम हर पर्सनालिटी जो ट्रेट है उसका अब हमने कोई एग्जांपल देनी है, कोई स्टोरी बतानी है जो कि यूनिट में, ठीक है। तो ये इजिली आप यानी हज़रत अस्मा की जेनरॉसिटी को लिखने के लिए कोई वाक़या जो यूनिट के अंदर है वो आपने लिखना है, विजडम से रिलेटेड कोई वाक़या है, इंसिडेंट है तो वो लिखना है, और करेज से रिलेटेड है तो वो लिखना है। तो सिंपल वर्डिंग में आपने लिख देना है। तो इस तरह देखें आपके पास पूरी क्या बन जाती है, एक समरी बन जाती है यूनिट की। फिर राइटिंग से रिलेटेड एक और यहाँ पे एक्सरसाइज है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देन प्रूफ रीड एंड एडिट सेल्फ एंड पीयर्स वर्क। तो फिर क्या करना है आपने, जो भी अपना काम है या अपने किसी फ्रेंड का काम है तो उसको आपने क्या करना है, प्रूफ रीड करना, उसको चेक करना है। तो याद रखें किसी भी कैरेक्टर का जब हम स्केच लिखते हैं इंग्लिश में, तो स्केच लिखने के लिए उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। तो बाज़ का ये होता है कि हमारे पास कैरेक्टर है तो उसकी कुछ सिचुएशंस में हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे लिखते हैं कि वो कैरेक्टर जो है वो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे तो हम फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं करेंगे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैरेक्टर के केस में, तो हम कुछ थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, और उनकी अर्ली लाइफ की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली लाइफ और उनकी जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या फीचर्स हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी लेगेसी की बात की जा सकती है। लेगेसी, लेगेसी का मतलब वो क्या होता है कि उन्होंने जो भी चीज़ें उनकी अपने पीछे जो उन्होंने छोड़ी, ठीक है, तो लेगेसी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने जो भी एक मैसेज दिया है तमाम मुस्लिम उम्मा को, ख़ास तौर पे विमेन को, ठीक है, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कैरेक्टर स्केच के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं नहीं लिखवा रहा, ये आपने खुद लिखना है। और फिर लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपने काम को क्या करना है, उसको प्रूफ रीड करना है। तो प्रूफ रीड के अंदर आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, तो आपके पास एक चेक लिस्ट है जिसे आपने जो है वो कंप्लीट करना है। तो प्रूफ रीड करते हुए सबसे पहले आपने क्या देखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को चेक करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर कोई फॉल्टी है तो ठीक है, उसको सही करना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर्स हैं। बात का ये होता है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ किया है, तो क्या सब्जेक्ट और वर्ब की आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ठीक है कि नहीं, वो लिखनी है, ठीक है। प्रोनाउन के जो रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो वर्ड्स की जो फॉर्म्स हैं क्या वो करेक्ट लिखे हुए है कि नहीं है, और साथ साथ आपने पंक्चुएशंस और स्पेलिंग्स को भी चेक करना, ठीक है। तो ये आपकी ये समझें कि एक क्रिएटिविटी टास्क है आपके लिए कि आपने हज़रत अस्मा का कैरेक्टर स्केच जो है वो लिखना है और फिर अपने काम को आपने जो है वो चेक करना है, प्रूफ रीड करना है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये आपने खुद से करनी है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और वो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसमें आपकी ओरल कम्युनिकेशन, डेली लाइफ में आप जो इंग्लिश बोलते हैं उसकी बात होती है, ठीक है, वो आप डेली लाइफ में इंग्लिश कैसे बोलते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है जी यूजफुल फ्रेजेस फॉर ग्रीटिंग्स। जब आप ग्रीटिंग्स यानी जब किसी को आप वेलकम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब आप कौन सी वर्डिंग यूज करते हैं, तो कौन कौन से फ्रेजेस या सेंटेंसेस आप यूज करेंगे अपने ओरल कम्युनिकेशन स्किल में जब आप दूसरे को ग्रीट कर रहे होंगे, वेलकम कर रहे होंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी इनफॉर्मल या फ्रेंडली ग्रीटिंग्स की। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वो होती हैं जो हम अपने दोस्तों में या अपने करीबी रिलेटिव्स में, ठीक है, जो है वो अपनी फैमिली में जो है वो ग्रीटिंग्स देते हैं, वो क्या होती हैं, वो इनफॉर्मल होती हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम किसी को मुखातब करने के लिए ये भी कह सकते हैं हेलो, हाय, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर्मल या बिजनेस ग्रीटिंग पे जाएंगे, किसी दूसरे किसी ऐसे शख्स को हम जो है वो ग्रीट करेंगे जिसे हम जानते नहीं, ये फॉर्मल लेवल पे, ये बिजनेस लेवल पे करेंगे, तो फिर हम हेलो आई की बजाय क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो ये हम कहेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह जब हम देखें इनफॉर्मल वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम, जो भी आपका नेम है, इस तरह आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। और फॉर्मल या बिजनेस ग्रीटिंग्स में जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप ये कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, ग्लैड टू मीट यू, इट्स प्लेजर मीटिंग यू, ठीक है। और जब आप कोई भी फॉर्मल कन्वर्सेशन, जब एक फॉर्मल गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। वो रिस्पॉन्स जब आपने देना है, किसी चीज़ का जवाब देना है, तो आप वेरी वेल, ठीक है, फाइन, थैंक यू, ये कह सकते हैं। और जब आप किसी से एक लंबे टाइम के बाद मिल रहे हो, व्हेन मीटिंग समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप क्या कहेंगे, गुड टू सी यू अगेन, या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो ये देखें कुछ फ्रेजेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं लोगों को ग्रीट करने के लिए, फॉर्मल लेवल पे और इनफॉर्मल लेवल पे, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अ न्यू स्टूडेंट हैज ज्वाइंड योर क्लास, यूज द फ्रेजेस फ्रॉम अबव एंड ग्रीट योर न्यू फ्रेंड बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, आपने ये जो ऊपर बॉक्स में ये जो ग्रीटिंग्स दी हुई थी, फ्रेजेस दिए हुए थे, इनको यूज करके आपने उसको फॉर्मली भी ग्रीट करना है और इनफॉर्मली भी करना है। ऑल्सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना भी तारफ दें, एंड आस्क फॉर हिज और हर इंट्रोडक्शन, तो उसका भी इंट्रोडक्शन जो है वो उससे पूछे, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक जो है वो कन्वर्सेशन जो वो बता देता हूँ कि कैसे आप फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल वे में उस न्यू स्टूडेंट को आप ग्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल में आपका जो यहाँ पे वो टास्क है वो क्या है जी, ग्रीटिंग अ न्यू स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो आपकी क्लास का एक न्यू स्टूडेंट है, उसको आप ग्रीट करने जा रहे हैं। तो देखें फॉर्मल ग्रीटिंग कैसे होगी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर क्लास, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, हाउ आर यू, I would like to introduce myself. My name is Rashid and I am excited to have you as a new classmate. If you have any questions or need any help, feel free to ask. अब देखें ये आपकी एक formal greeting है नए student के लिए, नए friend के लिए, ठीक है। इसी को अगर हम informal way में greet करें तो कैसे कहेंगे, Hi, welcome to the class. Happy to have you in our class. I am Rashid and I am looking forward to getting to know about you. If you need any help or just want to chat, hit me up anytime. Now tell me a bit about yourself. What's your name and what brings you to this class? So with this we come to the end of today's exercise of unit number 4. Inshallah next lecture में आपसे मुलाकात होगी. Until then, Allah Hafiz.